और डीआईजी हजारा की तो मैं अब बात ही नहीं करता। उसकी रीजन ये है कि डीआईजी जिसको भी आप लगाएं, आपका जब दिल चाहता है उसको उखाड़ देते हैं, वहां से बदल देते हैं। तो आईजी को आप देख लें, आईजी साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए अगर उनको लगता है कि हजारा खैबर का हिस्सा है। क्योंकि देखें, यहाँ बड़े से बड़ा वाकया हो जाता है। ये आप तो मुझसे ज़्यादा हज़ारे के हवाले से बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, मुझे 1.5-2 बरस हुए होंगे जो मैं यहाँ करंट अफेयर चीज़ें देख रहा हूँ। तो यहाँ तो मुझे सिर्फ बेहिसी के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। वज़ीर आला साहब को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। घर वाले मुतालबा कर रहे हैं कि सख्त सख्त सजा दी जाए, देखें ऐसे मुलजमान को, ऐसे मुलजमान को उल्टा लटका दिया जाए। हर घर से सदा उठती है ऐसे वाक्य के बाद, लेकिन हमने देखा नहीं कि किसी को उल्टा लटकाया गया हो। सर, देखें एक होता है आप इमोशनल, तो मैं भी आपके सामने बैठ के बड़ी आला बात कर दूं कि सरेआम फांसी कर दो, लेकिन तालिबान की गारों वाली सोच अगर हम लेके जाएं तो हम तो पिछले आगे बढ़ ही नहीं दिनों सकते। असेंबली में भी और कैबिनेट में भी चीजें डिस्कस हुई हैं, बिल्कुल हुई हैं। तो देखें, हम ये नहीं कर सकते कि इंसान की लाश की बेहरमती करें, खुलेआम उसको लटकाएं। लेकिन ये एक बात तयशुदा है कि हमारा, देखें, कानून मजबूत होना चाहिए। सबसे पहले कानून हो। ज़ैनब अलर्ट बिल जब आया, उसके बाद आप ये देखें, वो वफाकी असेंबली ने, कौमी असेंबली ने पेश किया, वहां मंजूर हुआ है। कम अज़ कम 10 साल सजा और पूरा प्रोसेस आपने किया। अब 18वीं तरमीम के बाद उसूल ये कहता है कि सूबों के आपने पास, सूबों ने भी पास करना है। केपी हुकूमत ने अभी तक नहीं किया। सिंध के बारे में मैंने सुना है, मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन बाकी सूबों ने क्या किया ये सवाल है। तो एक तो बिल आए, फिर उसके बाद आप देखें, हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात यही की थी कि अगर आपने फरियाल का केस हल कर दिया होता तो आज हजारे में मानसेरे की बच्ची इस तरह दरिंदगी का शिकार नहीं होती। सर, दिल कांप जाता है, रूह तड़प उठती है जब ऐसे वाकयात हम सुनते हैं, जब हमारे इल्म में आते हैं। और कानून से ज्यादा ताकतवर कोई चीज नहीं है अगर उसका इस्तेमाल किया जाए।